राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज राजधानी व्यू। पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बैन तले आज प्रदेश व्यापी आंदोलन के आह्वान पर राज्य कर्मचारी संघ द्वारा स्वामी विवेकानंद चौराहे पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जुलूस के रूप में जिला मुख्यालय पहुँचे और डिप्टी कलेक्टर हर्ष चौधरी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की। इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी मौजूद रही। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला विदिशा विषय केंद्रीय एवं राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाने बाबत महोदय जैसा कि लागू की जाए इसको लेकर के आज सभी एकत्रित हुए हैं और हमें चाहते हैं कि शासन इस बात पर पूरा पूरा अपना ध्यान दे। क्या पूरा मामला है, ज्ञापन देने आया हुआ? NPS में बंद करना है और पुरानी पेंशन बहाल करना है, क्योंकि आगे भविष्य की लाठी वही है और भविष्य में कुछ नहीं है बुढ़ापे के लिए। जब तक हमारी जान है, ताकत है, तब तक हम काम कर रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है, और इसके बाद जब सक्षम हो जाएंगे तो बुढ़ापे के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए पुरानी पेंशन लागू की जाए।